हेलो माय नियर एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल हेमोवार्ड में। चार दिन पहले मैंने अपना चैनल का नाम बदल दिया है और आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल का नाम हेमोवार्ड हो चुका है। तो हेमोवार्ड आप लोग ध्यान में रखें। और मैं इसका वीडियो बनाने वाला था लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया, तो इसके लिए सॉरी आप लोगों से। तो स्वागत है मेरे चैनल हेमोवार्ड में और आज आप लोगों के लिए मैं एक परफेक्ट और बेस्ट ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। बड़ा जोरदार और यूनिक ट्यूटोरियल है और दिवाली आने वाली, दिवाली के अबाउट ही मैं ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। और आप वॉल पे इसको पेंट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इसको सीखना चाहोगे और सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा विजिट करें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और एक एक चीज़ जो मैंने इस वीडियो में बताई है स्टेप बाय स्टेप, उस स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें और दिवाली पे घर पे बनाने का ट्राई करें। आशा है कि आप लोगों को ट्यूटोरियल पसंद आएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये ट्यूटोरियल और इसके जो एफर्ट है, अगर आपको अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं और आपको समझ में आया है, तो वीडियो करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंटरटेन के साथ आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो माय डियर, शुरू करते हैं इस रोज़ का ट्यूटोरियल। और मैं आपको फ़ोटो बता दूं, ये वाला फ़ोटो है हमारे पास, आप देख पा रहे हो। तो इस फ़ोटो को पूरा ट्यूटोरियल आपको बताने वाला हूँ कि पूरा अगर आप सही से विजिट करेंगे तो आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने इसको जो है पेंट किया है और कैसे मैं पेंट करता हूँ। तो कलर आपको बता देता हूँ मैं, ये वाला रेड है, इसको सिग्नल रेड कहा जाता है। सिग्नल रेड का यूज़ कर रहा हूँ मैं इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। और ये जो कलर है मैंने इतने देर से बना रखा है, इससे कन्फ्यूज मत होना आप लोग। ये जो बना रखा है मैंने, ब्लैक में थोड़ा येलो मिला के थोड़ा ब्राउनी कलर बनाया है। प्योर ब्लैक नहीं है, एक बार आपको मैं पास से बता सकता हूँ। इस तरीके से इस वाले कलर से और इस वाले कलर से मैं बनाने वाला हूँ। और हाईलाइट करने में थोड़ा सा येलो लेकर के, वाइट लेकर के, बाद में वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हाईलाइट करना है, पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो ये दो कलर मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे रेड लगा रहा हूँ जो बाहर की तरफ के हिस्से हैं, डिटेलिंग बाद में करेंगे हम लोग। बड़ी केयरफुली आपको कलर लगाना है इस तरीके से। थोड़ा अंदर तक जाने दे कलर, क्योंकि जब शेडिंग करेंगे तो कलर मिक्स हो जाना चाहिए। अगर ये स्केच आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये बनाना नहीं आता, तो मैं ये भी आपको बता दूंगा किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। अब यहाँ तक कलर फिलअप करने के बाद अब आती है मेन प्रोसेस, तो वो प्रोसेस है शेडिंग की। तो ऐसे छोटे फ्लैट ब्रश से आपको शेडिंग करनी है। तो किस तरीके से करना है तो देखो आप। पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा नॉइस आ रही है तो उसके लिए मैं थोड़ा सॉरी, क्योंकि अभी दिवाली चल रही है तो साफ सफाई हो रही है आसपास, तो उसकी आवाज़ और आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से ब्लेंडिंग जो होती है उसमें ध्यान से ब्लेंडिंग करनी है, बात ध्यान रखना आप लोग।
ब्लेंडिंग ही नेचुरल फॉर्म लाती है पेंटिंग को। अगर ब्लेंडिंग सही नहीं है तो ब्लेंडिंग सही करें। हम देखो मैं कितने स्मूथली तरीके से ब्रश को चला रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा फास्ट चलाया तो कलर सूखने के बाद तो कलर निकल जाता है। अभी तो बस बेस ही हो रहा है, अभी उसके बाद हाईलाइट होगा इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं अंदर का हिस्सा पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। कहीं कहीं आपको डार्क एरिया दिख रहा होगा, तो वो जब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो अपने आप खुलता जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं वाइट का टोन ले रहा हूँ रेड में, उसको लाइट पिंक बना के। मैं हर पत्ती नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि बहुत बड़ा ट्यूटोरियल हो जाएगा। ध्यान रखें कि बड़ी सावधानी से शेडिंग करनी है छोटी छोटी चीज़ों, क्योंकि आप जो बना रहे हैं इसका आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है कि आप क्या चीज़ बना रहे हो। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एक एक पंखुड़ी यहाँ पे बाहर आ रही है। तो जब पूरा बनेगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और आप लोग इसको अभी दिवाली आ रही है तो घर पे भी सीख सकते हैं। अब जैसे हम एक एक पत्ती की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमने यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ये वाइट मिला के पिंक कलर लगाया है। अब नीचे जो मैंने रेड आपको बताया था वो वाला कलर मैं इसके नीचे लगाने वाला हूँ। इससे इफेक्ट अच्छा आता है कि हम तीन कलर का यूज़ करें। कलर वही दो ही है, उसमें थोड़ा सा वाइट लिया है मैंने। हर एक चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता ट्यूटोरियल में कि मैंने कहाँ पे कौन सा कलर कितना लाइट कितना डार्क किया है। थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना है आंखों से कि कहाँ पे लाइट और कहाँ पे डार्क है। जैसे यहाँ पे उधर डार्क दिख रहा है, ऊपर के जाता है तो मैं लाइट कलर करता जा रहा हूँ, फिर वापस डार्क, कहीं लाइट कहीं डार्क, यही प्रोसेस चलती रहेगी। तो वो थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से आपको कलर मैचअप करना है। ऊपर की तरफ मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, नीचे की तरफ नहीं आ रहा हूँ पंखुड़ी में। लिंसिड ऑयल मिला लें कलर में तो उससे क्या कलर सूखेगा नहीं। मैं वैसे लिंसिड ऑयल का यूज़ नहीं करता हूँ, आप कर सकते हैं, आने वाले टाइम में भी करूँगा लेकिन अभी नहीं करता हूँ।
उसकी जो पंखुड़ियाँ दिख रही है तो एक ही साइड आपको शेड लगाना, दोनों साइड आपको शेड नहीं लगाना, नहीं तो पूरा फ्लावर दब जाएगा, खुला खुलापन नहीं रहेगा उसमें, जैसे पत्तियाँ खुल रही है एक एक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, दोनों तरफ ब्लेंड नहीं करना है। हमको करना चाहिए पर ध्यान रखना डायरेक्शन किस तरीके से अपने को चलना है वो हमको तय करना, अगर हम इससे इस तरफ चलेंगे या नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ में क्या होता है कि हमारा हार्ट टच हो जाता है कहीं, तो पेंटिंग तो ऊपर से नीचे की तरफ हमको आना चाहिए, प्रॉपर वे यही है सही। क्या और बता दूं मैं आपको, जब आपके ब्रश होता है इस ब्रश के इस साइड में अगर डार्क वाला कलर लगा हुआ है तो इसको ऐसे टर्न करके शेड मत देना, क्यों, क्योंकि टर्न करके शेड दोगे तो कलर उसमें लाइट वाले में डार्क मिल जाएगा, इसलिए जैसा जैसा चल रहा है तो इसको इसी वे में, इसको टर्न ऑन ना करें, इसी वे में चलने दें, इधर डार्क आपका कलर लगा हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे लाइट डार्क जो है पहले कलर फिलअप कर दिया, उसके बाद मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, थोड़ी आसानी से ब्लेंड हो रहा है और कलर भी सही से मैच हो रहे हैं। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूरा एक कलर कर दो, देन आखिरी में जो पॉइंट पे यहाँ पे मैंने डार्क करा वो कर दो और ब्लेंड कर दो, फिर बाद में भी मैं आपको बताऊँगा इसमें किस तरीके से आप अलग से कलर लगा सकते हैं। हाईलाइट करूँगा किसी किसी जगह और डिटेलिंग करूँगा तो आप सोच लो कैसा निकल के आएगा बाहर। तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी पेंटिंग करें और ऐसी सीखें, कोशिश करें घर पे सीखने का और चैनल को विजिट करते रहें, मैं ऐसी आर्ट आपको सिखाऊंगा। अगर आप मेरा चैनल विजिट करोगे, देखोगे वीडियो को तो आप सीख जाओगे। तो देखो अभी तो बैस है और बैस में कितना हाइपर रियलिस्टिक ये फ्लावर लग रहा है, अभी इसमें डिटेलिंग बाकी है जो पंखुड़ियों के लास्ट इससे में पार्ट में मैं डिटेलिंग करने वाला हूँ तो ये कितना गजब का लगने वाला है। अभी तो बस बैस कंप्लीट किया है, सोच सकते हैं आप लोग कि कितनी गजब की और कितनी अल्टीमेट पेंटिंग है। अभी साइडों में यहाँ पे बैकग्राउंड करने वाला हूँ थोड़ा, तो थोड़ा इसको भी हम डार्क कर देते हैं क्योंकि थोड़ा लाइट लग रहा है भाई ये। थोड़ा डार्क एरिया और हमको कवर करना है वो हम करेंगे, जहाँ लाइट हमको हाईलाइट करना है वो हम करेंगे। तो पहले जहाँ पे हमको डार्क एरिया कवर करना है
वर्म करने वाले हैं। हाथ पेंटिंग से दूर रखें, अगर वो सूखा ही नहीं हो तो थोड़ा सा, अगर उसमें थोड़ी सी अगर वो ड्राई नहीं हो और वेट हो तो उस पर हाथ टच नहीं करना है आपको। अगर आपका हाथ टच हो तो इस तरीके से आप कोई भी स्केल यूज़ कर सकते हैं, उसको इस तरीके से आपको पकड़ना है और उसको हाथ आप टच करके और फिर बेस कर्म करने में हमने एक जैसे कलर चलाया था हर जगह, मतलब जहाँ डार्क है तो वहाँ डार्क ही चलाया, कितना डार्क है वो उस तरीके से हमने कम्प्लीटली नहीं किया था। तो इसमें क्या होता है कि हम सही से उसको बाद में कितने कितने हिस्से में डार्क है वो हम बाद में कर सकते हैं। जितने अच्छे तरीके से ब्लेंड करोगे कलर को उतना अच्छा शेप आएगा, हर बार में ही बोल रहा हूँ आपको, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। तो हमारा डार्क एरिया ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। अब करने वाले हैं हम लोग हाईलाइट, और हाईलाइट में आपको फर्स्टली ये ध्यान रखना है कि आप जो कलर यूज करेंगे इस पे, मतलब लाइट कलर, वो लाइट कलर गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कलर गाढ़ा नहीं होगा और पतला होगा तो फिर आप जब उसको शेड करेंगे, ब्लेंड करेंगे, तो वो सही से ब्लेंड नहीं होगा और वो इधर उधर खिसक जाएगा कलर और आपस में मैच हो जाएगा। तो जितना गाढ़ा हो सके उतना गाढ़ा आपको यूज़ करना है, और जहाँ पे आपको हाईलाइट करना होगा कम कलर का यूज़ करें, थोड़ा सा लगाएं फिर ब्लेंड करें, अपने आप क्लियरिटी वहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। जैसे फर्स्ट मैं आपको इस वाली पत्ती पर करके बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट के लिए लाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ, मेन टॉप पे इसकी यहाँ पे पत्ती निकली हुई है, और कलर का देख सकते हो ज़्यादा लाइट भी नहीं है, कम लाइट ये कलर है, पिंक कलर, लाइट पिंक। तो इसी रेड से बनाया है जिस रेड से मैंने इसको बनाया है, इस तरीके से इसको फिलअप करना है, मुड़ी हुई है पंखुड़ी, बस इससे आगे नहीं, इससे आगे आपको नहीं लगाना है, तो अगर इसके अंदर चला जाएगा तो वेड हो जाएगा और वो लाइट रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। अब बात बारी आती है इसकी ब्लेंडिंग की, तो छोटा जो ब्रश होगा अपना, उस ब्रश से इसको ब्लेंड करना है और बड़े केयरफुली ढंग से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाना है, बस इस तरीके से इसको फैलाना है, ना तो ज़्यादा कलर आगे जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको इस वाली पत्ती में बता दिया था कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने जिस पत्ती में हाईलाइट किया है आपको दिख रहा होगा, इसमें 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 और इन दोनों में कम किया है, इसमें भी नहीं किया है, इसमें भी कम किया है, बस पॉइंट पे किया है। तो कहीं कहीं जहाँ मुझे लगा और रेफरेंस में जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें हाईलाइट किया है। अब जो है बैकग्राउंड की बात आती है, तो बैकग्राउंड में हमको आप कोई सा भी कलर यहाँ फिलअप कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगता हो वो आप यहाँ बैकग्राउंड में कलर फिलअप कर सकते हो। जैसे मैं ग्रीन करने वाला हूँ, आपको जैसा भी लगे वो आप यहाँ ब्लैक, इससे डार्क कलर होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो अभी रेड अपन ने रोज़ बनाया है, इससे डार्क कलर आप फिलअप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पर ग्रीन का इफेक्ट दे, ये काम इसके सूखने के बाद भी कर सकते हो, ये सूख जाए उसके बाद आप बैकग्राउंड में कलर भर सकते हो, लेकिन अभी मेरा ये सूखा नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से कलर भर रहा हूँ, फिलअप कर रहा हूँ।